ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద ఎమ్మెల్సీ కవిత దీక్ష ప్రారంభమైన సందర్భంగా కవిత మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఆమోదించాలని ఆ బిల్లు ఆమోదం తెలిపే వరకు మా పోరాటం ఆగదని కవిత స్పష్టం చేశారు. సుష్మా స్వరాజ్ జీ హో చాహే ఏ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్ జితనే భీ హై పామ్ రాజపూత్ జీ హోనే దో ఇందూ అగ్నిహోత్రి హోనే దో బహుత్ సారే ఐసే మహిళాయే హై ఔర్ బహుత్ సారే ఐసే అన్గినత్ మహిళాయే హై జిన్హోనే ఆందోళన కియా హై ఉన్హీ కే వజహ సే ఆజ్ యే చర్చా హై. మే బహుత్ आज अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूं कि ऐसे एक मुद्दे को जो हमारी हिंदुस्तान की आधी आबादी को आगे ले जा सकती है, ऐसे मुद्दे को आगे ले जाने का अवसर आज मुझे मिला है. मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूं और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूं कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे, ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है. और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है जहां पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है. तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें. हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे. आज आप ये मंच पे देख रहे हैं, काफी पॉलिटिकल दलों से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हैं. रेस्पेक्टेड श्री येचुरी जी आए हैं, उन्होंने ये पूरा अनशन का स्टार्ट किया है, इनॉग्रेशन किया है. और हमारे एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन यहाँ पे है, समाजवादी के पूजा शुक्ला जी है, किसान आंदोलन से भी है और बहुत सारे हमारे बीआरएस के महिला मंत्रीगण हैं. लोकल वार्ता वीडियो कोसम पब्लिक वेब ऐप डाउनलोड चेसुकोंडी.